हेलो दोस्तों, बाई सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे इक्विटी मार्केट का। बहुत दिनों से हमने इक्विटी मार्केट का लाइव परफॉर्मेंस नहीं किया है। उसका रीज़न है कि यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम जैसे ही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हम लाइव करना स्टार्ट कर देंगे 1 या 2 घंटे। तो आपके सामने कोई भी सिग्नल आता है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं और उसके अंदर काम कर सकते हैं। और आज हम एनालिसिस करके निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। आज की तारीख है 21 अक्टूबर 2019 और टाइम चल रहा है करीब हम 12 बज रहा है। और अभी सेल सिग्नल आया है आज का, और सेल सिग्नल कंफर्म था। आप सभी लोग को पता है कि अगर हमारा सेल सिग्नल के पहले डाउन साइड एरो मिलता है तो सेल सिग्नल परफेक्ट ट्रेड बन जाता है। और सेल देने के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही सॉफ्टवेयर ने बोला कि मार्केट में होल्ड रखिए, मार्केट और नीचे जाएगा, और मार्केट नीचे गिरा। उसके पहले का एक बाई सिग्नल बना था, बाई सिग्नल भी परफेक्ट ट्रेड है क्योंकि बाई के पहले एक अपर साइड कंफर्मेशन एरो लगा हुआ है और बाई देने के बाद उसने यहाँ आपको सपोर्ट दिया है कि और ऊपर जाएगा, होल्ड रखिए और यहाँ से पोजीशन एग्जिट करवा दिया। उसके पहले का एक सेल सिग्नल दिया था, सेल सिग्नल भी परफेक्ट ट्रेड था क्योंकि सेल के पहले एक डाउन साइड एरो मिला था, काफ़ी लंबा नीचे गया। बैंक निफ्टी चेक करते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी जो बाई सिग्नल आया है वो बाई सिग्नल गलत है। आपको बाई में काम नहीं करना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर बाई सिग्नल जनरेट हो गया है तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो गलत ट्रेड बता रहा है। क्योंकि बाई के पहले जो अपर साइड एरो होना चाहिए वो नहीं है, और अभी देख सकते हैं आप नीचे गिर गया मार्केट, रॉन्ग में जा रहा है मार्केट, तो इसमें काम नहीं करना चाहिए। कन्फर्मेशन हमने नहीं दिया है, ये सेल उसके पहले का था, कंफर्म ट्रेड था क्योंकि सेल के पहले डाउन साइड एरो मिला था। उसके पहले का एक बाई सिग्नल था वो भी कंफर्म ट्रेड था क्योंकि बाई के पहले अपर साइड एरो मिला था। कोई दूसरी स्क्रिप्ट चेक करते हैं DHFL, तो उसके अंदर हमारा बाई सिग्नल चल रहा था, उसके अंदर ये बाई सिग्नल चल रहा था, अभी एग्जिट का पॉइंट आया था, पर आप जब भी ये कंफर्म हो जाए तब आप एग्जिट हो जाइए, अभी तक हमने कोई एग्जिट करवाया नहीं है। विप्रो के अंदर आप चेक करते हैं तो विप्रो के अंदर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, कंफर्म वाला है क्योंकि सेल के पहले एक डाउन साइड एरो मिला है। उसके पहले का एक बाई सिग्नल बना था, कंफर्म था क्योंकि बाई के पहले अपर साइड एरो मिला था। अब ये आप देख सकते हैं बाई देने के बाद सॉफ्टवेयर का काम खत्म नहीं होता है, थोड़ा आगे गया और आपको बोला कि पोजिशन होल्ड रखिए मार्केट और ऊपर जाएगा, यहाँ भी बोला मार्केट होल्ड रखिए और ऊपर जाएगा, या फिर से बोला पोजीशन होल्ड रखिए मार्केट और ऊपर जाएगा, होल्ड रखिए मार्केट और ऊपर जाएगा, जैसे डाउन साइड एरो आया मतलब कि पोजीशन एग्जिट। कोटक बैंक के अंदर आप चेक कर सकते हैं तो कोटक बैंक के अंदर बाई सिग्नल कंफर्म वाला चल रहा है। उसके पहले का एक सेल था वो भी कंफर्म वाला था, काफ़ी नीचे गया। उसके पहले का एक बाई था वो भी कंफर्म था, यहाँ से उसने बोला और ऊपर जाएगा और यहाँ से बोल दिया एग्जिट हो जाइए। यूनियन बैंक के अंदर आप देख सकते हैं तो सेल सिग्नल हमारा कंटिन्यू चल रहा है यहाँ से 64.40 पैसे से, क्योंकि सेल सिग्नल के पहले उसने डाउन साइड एरो लगाया। ये बाई सिग्नल है, गलत है क्योंकि बाई के पहले कंटिन्यू उसने कोई अपर साइड एरो नहीं डाला, पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी चल रहा है 61 चल रहा है, करीबन 4.5 पॉइंट नीचे आया है। SBI के अंदर चेक कर सकते हैं तो SBI के अंदर हमारा सेल है यहाँ से चल रहा है 290 से, क्योंकि सेल के पहले डबल साइड डाउन साइड एरो था, मतलब कि आगे से ही इन्फॉर्म किया था मार्केट बहुत नीचे जाएगा और काफ़ी लंबा नीचे गया। ये बाई सिग्नल है वो मैंने बोला था रॉन्ग है, तो आपने अगर कल जिसने भी ट्रेड किया होगा उसने आपको कन्फर्मेशन दिया होगा, पर हमारे सॉफ्टवेयर ने यहाँ कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया। सीट नंबर 2 में चेक करते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रेड लाइन से मार्केट डाउन है, आपको ये वाइट कलर की लाइन को क्रॉस करना ज़रूरी है, तो यहाँ भी उसने अनकंफर्म ही दिया है। टिच महिंद्रा के अंदर यहाँ उसने बाई सिग्नल दिया है और कंफर्म था, एक बार उसने एग्जिट करवा दिया, बाद में आपको नई फ्रेश सिग्नल का वेट करना है, तो काफ़ी लंबा ऊपर गया था। मारुति के अंदर आप चेक कर सकते हैं तो मारुति के अंदर हमारा बाई सिग्नल था 5980 से और कंफर्म ट्रेड था, एक बार होल्ड करवाने के बाद यहां से उसने एग्जिट करवा दिया। काफ़ी अब नया सिग्नल सेल आएगा तो परफेक्ट बनेगा, पर नया
सिग्नल का वेट करना है, जब आएगा तो ही ट्रेड करना है। टाटा पावर के अंदर आप देख सकते हैं आज का ही सिग्नल है और सेल कंफर्म है, काफ़ी नीचे आया है, अभी सेल चल रहा है। एनसीसी के अंदर सेल सिग्नल है, कंफर्म है और यहाँ उसने एग्जिट करवा दिया। यहाँ उसने एक बार नीचे की तरफ आपको मूवमेंट दी और बोला कि नीचे काम कर सकते, आज भी उसने बोला कि सेल में आप काम कर सकते, काफ़ी लंबा नीचे आया। स्टार के अंदर आप देख सकते हैं कि सेल दिया था, एक बार उसने यहाँ कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करवा दिया, बाद में यहाँ एक बार डाउन दिया, यहाँ से आपको सेल करना है, काफ़ी नीचे आया। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉल कर आप जान सकते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। वोल्टास के अंदर बाई सिग्नल बना है, बाई बना था और यहाँ से एग्जिट करवा दिया ऊपर जाकर, अभी देखिए तो एक सेल बना है 603 से और डबल कंफर्मेशन के साथ आया है और अभी नया लो पर है, 600 चल रहा है। तो दूसरे किसी स्क्रिप्ट के अंदर चेक करते हैं तो यस बैंक के अंदर एक बार एग्जिट करवा दिया, देख सकते हैं आप। तो अब नया सिग्नल का वेट करना है, अगर डबल साइड डाउन साइड एरो आएगा तो आप री एंटर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ नहीं एंट्री होना है, उसने दूसरा डाउन साइड एरो दिया तब आपको एंटर होना है। तो जब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कॉल कर लाइव डेमो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपको अगर पसंद आता है तो आप हमें कुछ भी बोल भी सकते हैं, तो हम उसका लाइव वीडियो अपलोड करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।